वेलकम टू मनु क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम लहंगा पे बॉर्डर लगाना बताएंगे। ये लहंगा का ब्लाउज है और ये लहंगा है। ये लहंगा पूरा सिंपल है और ये इसका जैकेट है। तो ये जैकेट लेकिन छोटा हो गया है, तो इसको ही यहाँ पे कट करके इसका निकाल करके और इसमें बॉर्डर लगाएंगे। तो चौड़ा, इतना चौड़ा में बॉर्डर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये देखिए। ये घेर है और घेर में जब बॉर्डर लगाने से थोड़ा सिकुड़न आता है, तो उसको किस तरीके से लगाएंगे आज वही बताएंगे। इसको हम साइड रख के, जैकेट है और ये सामने वाला जो पार्ट है इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और स्लिप्स में भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो इसका जो बैक पार्ट है हम यहाँ इसमें हम निकालेंगे, इसका पट्टी निकालेंगे। तो ये देखिए, इधर से सीधा है, इधर से स्ट्रेचेबल नहीं है और ये तिरछा से स्ट्रेचेबल होगा। तो यहाँ से तिरछा इस तरह से कटिंग करेंगे। जब हम घेर में पट्टी लगाते हैं या तो इसी तरीके से तिरछा ही लगाया जाता है, तिरछा पट्टी काट के लगाया जाता है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको पहले तिरछा करके, और जितना चौड़ा आपको पट्टी लेना है उतना ही चौड़ा आप पट्टी निकाल लें। मार्जिन लेकर के हम 3 इंच यहाँ पर निशान लगा करके इतना चौड़ा हम पूरे में निकाल। और यहाँ पर देखिए ये सिलाई है, तो यहाँ भी हम साथ में कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ऐसे भी हमको जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। तो ये जॉइंट लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लेन है इसलिए हम पूरा कटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से 3 इंच लेकर के हम पूरे में पट्टी निकाल लेंगे जितना निकलेगा। इस तरह से हम कट कर लिए हैं और ये देखिए अलग कर दिए निकाल के। और अगर लगेगा तो इसमें इधर और निकाल लेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा बचा है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिलाई किया हुआ, इसको हम कट कर लेंगे। और इसको जॉइंट इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे, एक इधर से है और एक इधर से तिरछा है। इसको ऐसे रखेंगे और इसको इधर पलट के, और ये देखिए ये थोड़ा सा नोक इधर निकाल देना है, इधर भी नोक निकला हुआ रहेगा। और यहाँ से सिलाई इस तरह से चलाएंगे, इसके बाद पलट के और इसके किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरा पट्टी को हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं। इस तरह से ज्वाइंट कर लिए हैं, ये देखिए। और जितना हम कट किए थे उतना में ही हम ज्वाइंट कर लिए, इतना में ही पूरा बन जाएगा। और इसको हम साइड से इसको सीधा कट कर लेंगे और अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिला हुआ है, अगर आप सिला हुआ कपड़ा नहीं है, अगर नया में बना रहे हैं कपड़ा कटिंग करके, तो इसको इस तरह से रखें, इस सीधा, ये देखिए ये जो सिला हुआ है और इधर उल्टा है, तो ये इसको नीचे रखेंगे इस तरह से। इसको नीचे रख के और इसको पूरा में सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर इसको इधर सीधा के तरफ में पलट के और फिर ऊपर से ऐसे पलट के सिलाई कर लेंगे। लेकिन ये सिला हुआ कपड़ा है तो इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ से प्रेस कर लेते हैं, इतना 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 कपड़ा मोड़ करके दोनों साइड से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये सेट हो जाए इस तरह से। ये देखिए आयरन कर लिए हैं इसको। अब इसको यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इतना छोड़ के रखेंगे ताकि लास्ट में जब आएंगे तो इसको यहाँ पे सिलाई करना होगा। तो यहाँ से ये देखिए इतना छोड़ करके यहाँ से हम सिलाई करेंगे और इसको इस तरह से एकदम किनारे किनारे इसके ऊपर सिलाई करना है।
देखिए पूरा राउंड में लग गया है और यहाँ पर आकर के हम थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे कट कर लेंगे और जितना हम कट किए थे उसमें इतना बच गया। और इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे ऐसे पकड़ के और सीधा सिलाई कर लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से सिलाई कर लिए, अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए बराबर आ गया, अब इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई नीचे साइड में हो गया। अब ये आयरन किया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इसी तरीके से अब ये ऊपर साइड में भी लगाना है, बस इसको आराम आराम से लगाएंगे, इसको खींचना नहीं है कपड़ा को। इस तरह से देखिए लग गया और कहीं पर भी झोल नहीं आया, एकदम सीधा से इस तरह से लगा है। इसी तरीके से लगाएं कपड़ा को, कभी भी जब गोलाई में हम पट्टी लगाएंगे तो उसको सीधा नहीं कट करना है, उसको तिरछी पट्टी जिसको बोलते हैं उरेवी पट्टी, वो तिरछा ही निकाल करके और लगाएंगे तो आसानी से बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। और अगर बहुत चौड़ा आप अगर लगाएंगे तो उसमें झोल आ जाएगा, इसलिए कभी भी देखिएगा रेडीमेड लहंगा में भी पूरा चौड़ा बॉर्डर एक बार में लगाया नहीं जाता है, छोटा छोटा पार्ट अलग अलग करके लगा करके फिर उसको चौड़ा बना दिया जाता है। इसी तरीके से आप भी बनाएं। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।